हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 29। ये है आपकी 10 सितंबर की वर्कशीट। तो ये जो वर्कशीट है, ये हम स्टोरी पढ़ रहे थे, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसी के कंटिन्यूएशन में है। आज ये स्टोरी खत्म हो जाएगी, तो उसी पे बेस्ड जो पैसेज है आपका स्टोरी में, वो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम आज करने वाले हैं। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कंटेंट को समझने में हेल्प मिले और साथ ही ये स्टोरी समझने में हेल्प मिले। तो आगे चलते हैं कि आज की आपकी इस वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट, हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट। हाउ डज द डॉग रिकवर? तो ये जो डॉग ट्रिकी है वो कैसे रिकवर होता है, डॉक्टर हैरियट वो हमें बता रहे हैं। तो अभी तक क्या हो रहा है कि ट्रिकी की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है, क्योंकि वो खा खा के बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। उसकी जो ओनर है, मिस्ट्रेस है, मिसेस पम्फ्री, वो उसको बहुत जरूरत से ज्यादा जो है उसका ध्यान रखती हैं, जरूरत से ज्यादा उसे खिलाती हैं और जरूरत से ज्यादा उसकी केयर करती हैं। और इसी वजह से ट्रिकी जो है बिल्कुल ही वो रेस्टलेस हो चुका है, बीमार हो चुका है, क्योंकि उसका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही बंद है। तो अब आगे क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं। बींग अ वेटरनरी डॉक्टर, द नरेटर मिस्टर हैरियट न्यू दैट द ओनली वे टू गेट ट्रिकी वेल वॉज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर अ फ्यू डेज। ही टुक ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ही हैड ऑलरेडी प्लान्ड। तो उन्हें पता था डॉक्टर हैरियट को कि सबसे सही ट्रीटमेंट ट्रिकी के लिए यही होगा कि ट्रिकी को उस घर से कुछ दिनों के लिए बाहर निकाला जाए और उसे अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी दी जाए। तो उनका जो उन्होंने जो ट्रीटमेंट प्लान किया था उसी के लिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में क्या होता है वो देख लेते हैं। एट द सर्जरी, तो सर्जरी का मतलब यहाँ पर है वो जगह जहाँ पर सर्जन जो है, डॉक्टर्स जो है वो सर्जरी करते हैं। तो यहाँ पर सर्जरी का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। एट द सर्जरी या एट द हॉस्पिटल, द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी। तो जैसे ही जो हॉस्पिटल के बाकी जो डॉग्स थे वो एकदम से उनकी तरफ, डॉक्टर हैरियट की तरफ बढ़े। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हैरियट के पास ट्रिकी भी था। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। तो ट्रिकी उनके हाथ में था, जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे बहुत सारे वहां जो डॉग्स थे वो उनकी तरफ दौड़े, और ट्रिकी ने जो है उनकी तरफ जो है उन सब डॉग्स की तरफ, वो इतना शोर मचा रहे थे लेकिन फिर भी उनकी तरफ बिल्कुल ही डल आईज की से उन्हें देखा। और फिर जब उसे नीचे, गोदी से नीचे उतारा गया, कार्पेट पे लिटाया गया, तो वो बस वैसे ही वहां पड़ा रहा। फॉर 2 डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम Giving him no food but plenty of water. तो 2 दिन तक उन्होंने उसे उस पर नजर रखी, ट्रिकी पर। उसे खाना नहीं दिया लेकिन उसे बहुत सारा पानी दिया और देखते रहे कि वो ठीक है कि नहीं है। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. तो उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसे कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी, लेकिन पूरा दिन जो उसके बाकी जो डॉग्स थे उनके साथ जो है वो खेलता कूदता रहता था। तो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस का मतलब यहाँ पर है कुछ कंफ्यूजन वाली सी जो फाइट होती है। आपने डॉग्स को आपस में देखा होगा खेलते हुए, कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के गिरते पड़ते रहते हैं, थोड़ा खाते रहते हैं एक दूसरे को। तो वो जो है वो फ्रेंडली स्क्रिमेजेस होता है एक दूसरे के साथ, जो वो प्यार भरी जो लड़ाइयां होती हैं, तो वो करता रहता था ट्रिकी बाकी डॉग्स के साथ। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। तो कुछ ही टाइम में वो ट्रिकी जो है, जो बाकी जो डॉग्स का जो ग्रुप था उनका मेंबर बन गया, उनके ग्रुप का मेंबर बन गया, एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग बन गया। और वहां से वो उन सबसे थोड़ा अलग दिखता था, क्योंकि वो सारे जो थे शैगी क्रू थे, मतलब ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थे, ऐसे ही बुरी तरह से मेंटेन थे। और उनके बीच में ट्रिकी जो है दिखने में बड़ा सिल्की सा और अलग सा दिखता था, लेकिन फिर भी उन्हीं की तरह वो अपने खाने के लिए उसे भी लड़ाई करनी पड़ती थी। तो जब मील टाइम पे खाना दिया जाता था तो सभी डॉग्स को पता होता था कि जितना जल्दी अपना खत्म करोगे उतना जल्दी दूसरे का भी मिलेगा। तो इसी फाइट में, इसी का जो शेयर के लिए जो फाइट होती थी, तो ट्रिकी भी उसमें इन्वॉल्व होने लगा, क्योंकि उसे भी पता था उसे यहाँ पर फ्री फंड में खाना नहीं मिलेगा, उसे भी अपने खाने के लिए लड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है वो रात को
जब सारे डॉग्स जब मिलकर वो जो हेन हाउस था जहां पर मुर्गियां रखी जाती थी वहां पर जो रैट्स होते थे उनका वो शिकार करते थे, तो ट्रिकी भी उनके साथ जो है रात को उनका शिकार करने लगा, हंट करने लगा. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. तो उसने कभी ट्रिकी ने ऐसा समय देखा ही नहीं था अपने लाइफ में और उसे वो बहुत इंजॉय भी कर रहा था. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन. तो जब ये सब हो रहा था, ये जब 2 हफ्ते चल रहे थे, तो उस टाइम पे मिसेस पम्फ्री जो है तो बैकग्राउंड में वो एक तरह से ऐसा लगता था हमेशा वो बैकग्राउंड में प्रेजेंट है, जैसे एक भूत घूमता रहता है वैसे वो भी वहीं पे बैकग्राउंड में भटकती रहती थी, फिजिकली नहीं लेकिन फोन इतना करती थी. तो एक दिन में कम से कम 12 बार वो फोन किया करती थी पूछने के लिए कि ट्रिकी कैसा है, तो ऐसा लगता था कि वो जैसे वहीं पर हों. डॉजिंग अदर क्वेश्चंस आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो was out of danger and convulsing rapidly. तो जब वो इतने सारे सवाल पूछती थी, वो कैसा है, उसने ये खाया, उसने ये पहना, तो इन सब के जवाब questions को थोड़ा इग्नोर करते हुए वो डॉक्टर हैरियट वो ये बता पाए कि ट्रिकी जो था वो अब आउट ऑफ डेंजर था और वो कन्वल्सिंग कर रहा था. कन्वल्सिंग का मतलब होता है इम्प्रूव होना, मतलब रिकवर होना, मतलब वो ठीक हो रहा था. तो जैसे ही उन्होंने ये बताया, द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री. तो जैसे ही उन्होंने सुना मिसेस पम्फ्री ने कन्वल्सिंग मतलब कि वो रिकवर हो रहा है, तो एकदम से उनका नेचर और बदल गया. उन्होंने क्या किया मिसेस पम्फ्री ने, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. तो जैसे ही उन्हें लगा अच्छा ये रिकवर हो रहा है, चलो ठीक है मैं फिर से इसे खाना देना शुरू कर देती हूँ क्योंकि बेचारा बड़ा बीमार होगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वापस लानी है. तो इस वजह से वो क्या करने लगी, वो बड़े बड़े जो है फ्रेश एग्स वहाँ हॉस्पिटल भिजवाने लगी और कभी कभी तो एक बारी में वो 2 dozen मतलब 24 जो है एग्स वहां पर भिजवाने लगी. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. So, बहुत लंबे time तक जो है, काफी time तक जो Dr. Harriet थे और उनके साथ में जो staff था, partners जो थे, वो उन्होंने enjoy खूब किया. क्यों? क्योंकि अब ये खाना तो वो tricky को दे नहीं रहे थे क्योंकि उसके treatment में खाना तो मना था और इतना ज्यादा खाना भी मना था. तो इसीलिए अब इन एग्स का क्या करते, तो उन्होंने सोचा चलो हम ही खा लेते हैं. तो रोज सुबह ब्रेकफास्ट में हर एक इंसान को 2 eggs मिल रहे थे और वो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे. और साथ ही कुछ टाइम बाद ही मिसेस पम्फ्री जो है वो बॉटल्स ऑफ वाइन भी भिजवाने लगी. और जब उन सबको ये समझ आया कि अरे वाह ट्रिकी के यहाँ होने से हमें कितना सब कुछ मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो तो और ज्यादा खुश होने लगे और सोचने लगे कि वाह ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लिए क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी. There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. So, उन दिनों को जो है ये जो 15 दिन थे जो ट्रिकी के हॉस्पिटल में, तो इनको जो है डॉक्टर जो है बहुत अच्छे से enjoy कर रहे थे सभी मिलकर. क्यों? क्योंकि सुबह शुरुआत होती थी उनकी एक्स्ट्रा एग के साथ, तो कहीं वो एक एग मिलता था उन्हें, अब उन्हें 2 eggs मिल रहे थे रोज सुबह. फिर दोपहर होते होते उन्हें वाइन भी होती थी उनके पास, तो वो वाइन पीते थे. और शाम को जो है ठंड जब बढ़ जाती थी तो वो फिर आग के सामने बैठकर ब्रांडी पीते थे. तो ऐसा लग रहा था दिन बहुत ही बढ़िया कट रहे थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. तो इसी वजह से जो है उनके लिए ये टेम्पटेशन हो गई. तो सभी सोचने लगे क्यों ना ट्रिकी को हम यहाँ पर परमानेंट गेस्ट बना लें, क्यों ना ट्रिकी को हम हमेशा के लिए हॉस्पिटल में रख लें, क्योंकि मिसेस पम्फ्री उसके लिए जो चीजें भिजवाती रहेंगी हम वो खाते रहेंगे. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कम्पेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. लेकिन मिस्टर हैरियट डॉक्टर हैरियट को पता था कि मिसेस पम्फ्री की हालत बहुत बुरी हो रही है, ट्रिकी के बगैर उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है. तो फाइनली जब 15 दिन हो गए, फोर्टनाइट मतलब 15 days, वो जब हो गए तो उन्होंने जो है मिसेस पम्फ्री को फोन किया और उनको बताया कि उनका जो डॉग है ट्रिकी जो है वो अब रिकवर हो गया है और साथ ही साथ ही इज अवेटिंग कलेक्शन, मतलब कि आप उसे आकर यहाँ से हॉस्पिटल से ले जाइए. इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीज हार्ड मसल्ड एनिमल. तो 2 हफ्तों में ही वो एक तरह से लीड मतलब फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्ड, तो उसकी मसल्स बहुत हार्ड हो गई थी, बहुत लटकी हुई नहीं थी, बहुत मोटा नहीं था वो. तो 2 हफ्ते में ही वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. तो बहुत ज्यादा जो है वो जो बाकी जो डॉग्स के पैक का मतलब यहाँ पर है, डॉग्स की जो गैंग है, डॉग्स का जो ग्रुप है,
तो उनके साथ जो है वो अच्छे से कूद रहा था, खेल रहा था, और जहां जहां वो जाते थे वहां कूदा फांदी वो कर रहा था। तो इस तरह से वो ट्रिकी अब बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था, फिजिकली एक्टिव हो चुका था। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो एकदम से जब मिसेस पम्फ्री ने उसे देखा तो वो एकदम से खुश हो गई और उन्होंने कहा, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, कैसे मैं आपको थैंक यू बोलूं, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विन, मतलब जीत है, तो ये जरूर इस हॉस्पिटल की, आपके ट्रीटमेंट की और आप सबकी ये जीत है कि ट्रिकी जो है, जो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बुरी तरह से बीमार हो चुका है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता और बिल्कुल शायद वो ना ही रहे, तो ऐसे में जब ट्रिकी बिल्कुल ही बढ़िया हो चुका है, अब हेल्दी हो चुका है, इसीलिए जो है दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसीलिए जो है मिसेस पम्फ्री ये सेंटेंस कहती हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे भी इससे क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको डिस्क्रिप्शन को आप समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका इस पे बेस्ड, वो जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी, डिड इट हेल्प इन हिज रिकवरी। तो ट्रिकी को कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया और क्या उसका, उस ट्रीटमेंट से उसकी रिकवरी हो गई। कोशिश कीजिए कि इस आंसर को आप पहले खुद लिखें और फिर उसके बाद आप हमारी वीडियो से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि क्या ट्रीटमेंट दिया गया। पहले 2 दिन तक ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया गया, लेकिन पानी अच्छे से दिया गया, कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन उसे बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कराई गई। एंड ऑफ कोर्स द ट्रीटमेंट हेल्प इन हिज रिकवरी, क्योंकि 2 हफ्ते में ही वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो चुका था और बहुत ही हेल्दी डॉग बन चुका था। चलते हैं आपके क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 आपका कहता है, Why was it a temptation to keep Tricky on as a permanent guest? मैं ये भी समझा चुकी हूँ आपको कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखने का बहुत उनको टेम्पटेशन हो गई थी डॉक्टर हैरियट को, और बहुत ही मन कर गया था क्योंकि वो इतनी सारी उन्हें गिफ्ट मिल रहे थे, इसलिए यहाँ से आप आंसर अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलते हैं आपके क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 आपका कहता है कि वट वॉज इन्फॉर्म टू मिसेस पम्फ्री ऑन फोन। तो फोन पे मिसेस पम्फ्री को क्या बताया गया। तो ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि फोन पे मिसेस पम्फ्री को बताया गया कि जो ट्रिकी जो है वो रिकवर हो चुका है एंड ही इज अवेटिंग कलेक्शन, मतलब आप उसे आके ले जाइए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जैसे मैंने आपको एंड में समझाया कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वो क्यों कहती हैं, यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले कोशिश कीजिए इस आंसर को खुद लिखने का और उसके बाद फिर आप यहाँ से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो इसलिए कहती हैं क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, लेकिन वहां पर हॉस्पिटल पे 15 दिन बिताने के बाद ट्रिकी जो है बहुत ही हेल्दी और रोबस्ट डॉग बन चुका था। यही आपका आंसर 4 है। चलते हैं आपके क्वेश्चन 5 पर। क्वेश्चन 5 कहता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कॉमेंट इन द वेक ऑफ मिसेस पम्फ्रीज लव फॉर एवरीथिंग। तो किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको साइंस की वर्कशीट में हम इसका डिस्कशन कर रहे थे कि किसी भी चीज की अति क्यों बुरी होती है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि तो आपको यही कॉमेंट करना है कि किसी भी चीज की अति या बहुत ज्यादा किसी चीज को करना क्यों बुरा होता है। तो मिसेस पम्फ्री का जो ट्रिकी के लिए प्यार था उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इस लाइन पर कमेंट करना है। तो आप इस तरह से कमेंट कर सकते हैं कि वो इसलिए बुरा है क्योंकि मिसेस पम्फ्री ने उसे जरूरत से ज्यादा खाना और केयर दिया, इसी वजह से जो है ट्रिकी बिल्कुल ब्लोटेड सॉसेज की तरह बन गया था। ये ब्लोटेड सॉसेज क्या होता है मैं आपको इस वर्कशीट के जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बता चुकी हूँ, और इतना बुरा हाल हो गया था उसका कि वो रैपिडली वो इल हो रहा था, बहुत ज्यादा जल्दी वो बीमार हो रहा था। तो इसीलिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इवन इफ इट इज लव एंड केयर इज बैड, तो जरूरत से ज्यादा प्यार और केयर भी बुरा होता है। चलते हैं आपके 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन आपके कहता है, पैसेज में से आपको ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब जो है वो ऑप्शंस में से दिया हुआ है। तो ए पार्ट है आपका रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल, तो बहुत ही रफ कंफ्यूज स्ट्रगल आपस में जो झगड़ा सा है उसको क्या कहते हैं। मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, उसको स्क्रिमेज कहते हैं। सर्ज का मतलब होता है बढ़ना, तो स्क्रिमेज होता है रफ और कंफ्यूज स्ट्रगल। फिर बी पार्ट है रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, एक इलनेस से रिकवर होना, ठीक होना बीमारी से, उसको कन्वल्सिंग कहते हैं। मोशनलेस होता है कि बिल्कुल ही मोशन नहीं है, चल फिर नहीं रहा है। फ्लेक्सिबल सी पार्ट, तो लीड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, अगेन डिस्कस कर चुकी हूँ। लिस्टलेस का मतलब होता है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है। डी पार्ट है अ प्लेस वेयर अ सर्जन ट्रीट्स पेशेंट,
ऐसी जगह जहां पर सर्जन जो है वो पेशेंट्स को ठीक करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, तो उसे सर्जरी कहते हैं। गैंग तो हो गया ग्रुप, गैंग का मतलब है ग्रुप। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रायम्प। तो ट्रायम्प का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। तो डिफीट या लॉस, इन दोनों में से कोई भी आप वर्ड लिख सकते हैं, ये होता है ट्रायम्प का एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड। उम्मीद करते हैं आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक।